हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो 2788 पोस्टों पे जो आप सभी के लिए BSF ट्रेड्समैन की तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया था उसका अब फाइनली फिजिकल चल रहे हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स आप सभी को हम बताने वाला है कि काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होगा कि वो फिजिकल सेंटर पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कैसे एंट्री लिया जा रहा है, एंट्री के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, क्या जो है हाइट मापा जा रहा है एंट्री के समय या जो है फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद। तो आप सभी को आज की इस वीडियो में आप सभी को फ्रेंड्स हम बताएंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंड यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में क्या क्या वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है या आप सभी को मौखिक पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को किसी भी सेंटर पे आपका जो है फिजिकल पड़ा है, ठीक है, तो आप सभी को डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना होगा। तो जिस क्वालिफिकेशन के आधार पे आप अपना फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, ठीक है, यदि 10वीं के जो है क्वालिफिकेशन के आधार पे आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप सभी को यहाँ पर 10वीं का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को लेकर के जाना है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, SLC हो गया जिसको हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोविजनल हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको 10वीं से रिलेटेड वो आप सभी को टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। ओके, उसके बाद आपको उसके साथ में 3-3 जीरोक्स कॉपी लेकर के जाना होगा, ठीक है, 3 फोटो कॉपी आप सभी को लेकर के जाना होगा, नहीं तो वहां पे आप सभी को जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं लोग। ओके, उसके बाद हम बातें कर लेते हैं कि आप लोग जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप सभी को लेकर के वहाँ पे जाना होगा। ये नहीं कि आप सभी को 2 कॉपी लेकर के जाना होगा, आप सभी को ओरिजिनल लेकर जाना होगा। ओके, तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप सभी को वहाँ पर जीरोक्स लेकर के जाना है, ठीक है, ओरिजिनल आप सभी को डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाना होगा ट्रेड सर्टिफिकेट, ताकि आप लोग को वहाँ पर अच्छे से वो जाँच कर सके, ठीक है। इसके बाद आप सभी को जो चीज़ अपना ID प्रूफ दिए हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, यदि आप अपना जो भी ID प्रूफ दिए हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, तो आप सभी को पहचान के लिए एक ID प्रूफ लेकर के जाना होगा। अब हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि एंट्री आप सभी को कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका एंट्री फ्रेंड्स आपका जो है एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी दे रखा है, तो सुबह 5 बजे से आप सभी का जो है एंट्री स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को 5 बजे अपना सेंटर पर पहुंच जाना होगा, ठीक है। उसके बाद एंट्री के वक्त आप सभी को ID प्रूफ एंड एडमिट कार्ड देखा जा रहा है। कोई कोई फ्रेंड्स सेंटर पे है जो ID प्रूफ और एडमिट कार्ड और उसके साथ में OBC वालों को OBC यहाँ पे देखा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट और कहीं कहीं पे निवास प्रमाण पत्र भी देखा जा रहा है, ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ें जो है लेकर के जाना होगा, ठीक है। यदि आपके पास OBC सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो कितने सेंटर पर फ्रेंड्स जो है OBC वालों को वहाँ पे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और कितने जो है सेंटर पे स्टेट वाले भी चल जा रहे हैं NCL जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रिमिनल, ठीक है। तो आप सभी को यदि आपके पास OBC नहीं है और आपके पास समय है तो जल्द से जल्द अपना OBC अप्लाई कर दीजिए एंड आप अपना बनवा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको एंट्री के समय वहाँ पे हाइट माप लिया जा रहा है, ठीक है, आपका जो है एंट्री के सामने आपका हाइट यहाँ पे फ्रेंड्स जो है माप लिया जा रहा है। उसके बाद आप सभी को लेकर के जा रहे हैं लोग ग्राउंड में, उसके बाद बैच बना रहे हैं लोग, ठीक है, ज़्यादा बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। एक दिन में फ्रेंड्स 300 कैंडिडेट को कॉल दिया गया है, जिस भी ट्रेड से कुक हो, स्वीपर हो, कारपेंटर हो, ठीक है, 300 कैंडिडेट को कॉल दिया गया है। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स बैच जो बना रहे हैं वो लोग 100 का, ठीक है, कितने सेंटर पर 80 का भी बैच बन रहा है, ठीक है, तो जो जैसा सेंटर है और जितने संख्या में कैंडिडेट पहुंच रहे हैं वो हिसाब से यहाँ पे बैच बन रहा है। कितने सेंटर पे 150 कैंडिडेट को रनिंग करवाया जा रहा है एक बैच में, तो आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो रनिंग में यहाँ पे कंप्लीट आप सभी को 24 मिनट आप सभी को टाइम मिल रहा है 5 किलोमीटर रनिंग के लिए, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी को फ्रेंड्स उसके बाद आप सभी को लेकर के जा करके आपको फिर से हाइट वेट चेस्ट देखा जा रहा है, ठीक है। हाइट को अकॉर्डिंग आप सभी को जो है वेट होनी चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा वेट हो रहा है तो ओवर वेट में वो लोग बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हो रहे हैं बाहर वो चेस्ट में हो रहे हैं, ठीक है। चेस्ट आप सभी को चेस्ट में और हाइट में, ठीक है, हाइट में बाहर हो रहे हैं, क्योंकि 1.67 आपका हाइट मांगा गया है और चेस्ट जो मांगा गया है 76 नॉर्मल होनी चाहिए और फुला करके आप सभी को 81 होनी चाहिए। तो आप लोगों का यदि इससे कम है नॉर्मल और नहीं भी फुला पा रहे हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में बच्चे जो हैं
चेस्ट को लेकर के जो है फेल हो रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग का PST हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वेट चेस्ट देखा देख लिया जाएगा, उसके बाद आप सभी को होगा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में जो है स्वीपर वालों को फ्रेंड्स वही ट्रेड से रिलेटेड मतलब सफाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मौखिक, और कितने को प्रैक्टिकली भी करवा करके वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लेंगे कि स्वीपर से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे जो चीज़ें होते हैं वो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें। और ट्रेड में कुक वालों के यदि हम बात करें तो वही आटा गूंथने का और रोटी बनाने का फ्रेंड्स जो है वहाँ पे दे दे रहे हैं लोग, और मौखिक भी पूछ रहे हैं लोग, जैसे मसाले का नाम इंग्लिश में हो गया, दाल का नाम। ठीक है, और ऐसे भी पूछ रहे हैं लोग कि जैसे 20 आदमी है तो 20 आदमी को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, या आटा चाहिए, रोटी बनाने के लिए चावल चाहिए। ठीक है, तो आप सभी ऐसे जो है मिनिमम आप लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो पढ़े हैं, आप लोग अपना देख करके यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी को फाइनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप सभी को फाइनल वहाँ पर फ्रेंड्स जो है फिट कर दे रहे हैं लोग। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है, आप सभी को आप लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस भर्ती से रिलेटेड यदि आप सभी के पास कोई भी डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या जो भी चीज़ें, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।